सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जाम, जानिए कैसा रहा फिजिक्स का पेपर। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षा 5 मार्च से शुरू हो चुकी है। आज यानी 7 मार्च को फिजिक्स की परीक्षा थी। परीक्षा खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, पेपर कैसा आया था। अगर टीचरों की माने तो पेपर काफी स्कोरिंग रहा, लेकिन स्टूडेंट्स के हिसाब से पेपर बैलेंस्ड था। हालांकि कुछ सवालों से छात्रों को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, लेकिन पेपर में सिलेबस के बाहर से कोई सवाल नहीं पूछा गया था। टीचरों का कहना था कि ओवरऑल पेपर काफी इजी था और छात्रों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी। थ्योरिटिकल सवालों में छात्रों को कम से कम 55 मार्क्स लाना चाहिए, वहीं न्यूमेरिकल्स भी काफी आसान और ज्यादा उलझे हुए नहीं थे। हालांकि टीचरों का कहना था कि पेपर में प्रैक्टिकल से ज्यादा थोड़े और थ्योरिटिकल सवाल पूछे जाने चाहिए थे। सवालों पर टीचरों ने कहा कि कुछ सवाल थे जो छात्रों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा पेपर काफी डायरेक्ट था। लेकिन छात्रों का रिएक्शन थोड़ा मिला जुला रहा। कुछ छात्रों ने पेपर को बैलेंस्ड बताया तो कुछ ने कहा कि उन्हें कुछ सवालों में थोड़ी मुश्किल आई। छात्रों ने बताया कि उन्हें 2-3 मार्क्स वाले सवाल काफी ट्रिकी लगे और उन्हें उनमें काफी परेशानी आई। इसके इत्तेदीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे ज्यादा आसान थे। कुछ छात्रों ने कहा कि अगर छात्रों ने परीक्षा की तैयारियों में सैंपल पेपर हल किए होंगे तो उन्हें इस पेपर में काफी आसानी हुई होगी। अब 12वीं के छात्रों को इसके बाद 13 मार्च को केमिस्ट्री के पेपर का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें 5 दिनों का गैप मिल रहा है। हालांकि फिजिक्स के पेपर के लिए उन्हें महज 1 दिन का गैप मिला था। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा 13 अप्रैल को खत्म हो रही है। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।